आदिवासी बस्तियों में पहुंचकर कलेक्टर बांट रहे कंबल। शीतलहर को देखते हुए शुरू किया सुदान अभियान। खबर शेवपुर से है, जहां कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से तापमान काफी नीचे आ गया है। वहीं कलेक्टर संजय कुमार ने इस कड़ाके की सर्दी के बीच उन लोगों की फिक्र की है जिन लोगों के पास ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रह रहे सहरिया जनजाति की, जो आज भी तेज रफ्तार से दौड़ रहे आधुनिक समय से काफी पीछे चल रहे हैं। वह आज भी उस गरीबी में जी रहे हैं जिसमें उनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े तक नहीं है। इस भीषण ठंड के बीच उनके बच्चे बिना कपड़ों के घूमते नजर आए हैं। अधिकतर आदिवासी बस्तियों के इस हालत ने श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार को झकझोर दिया है और उन्होंने स्वयं रात्रि में आदिवासी लोगों के बीच चौपाल लगाकर कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए हैं और चौपाल में उनकी समस्याएं भी सुनकर तुरंत निराकरण कर रहे हैं। अपने काम करने के अंदाज और ईमानदारी की वजह से पहचाने जाने वाले कलेक्टर संजय कुमार ने आज 7 जनवरी को एक सुदान अभियान की भी शुरुआत कर दी है, जिसमें खुद कलेक्टर ने बाजार में पहुंचकर लोगों से अपील की है कि जो भी लोग पुराने और नए कपड़े दान करके अपने इन असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं, कलेक्टर संजय कुमार की अपील पर सभी लोग बढ़ चढ़कर इस अभियान को सफल बनाने में लग गए। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्योपुर जिले में सहारिया नाम की जो जनजाति है वो अभी भी विकास की का जो रास्ता है उसमें बहुत पीछे रह गए हैं और उनका जीवन अभी भी बहुत कठिन है। अभी शीतलहर का दौर चल रहा है, जिले में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, 4-5 दिनों से तो सूरज नहीं निकला। ऐसे में मैं देखता हूँ कि कई गांवों में लोगों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं है, पर्याप्त तो छोड़ दीजिए अपर्याप्त कपड़े भी नहीं है, स्वेटर और कंबल नहीं है। जहां हम लोग 3-3 लेयर कपड़े पहन कर करके अपने कार्यालय आते हैं, वहां पे देखता हूं गांव में बच्चे जो है वो एक फ्रॉक एक शर्ट पहन करके घूम रहे हैं कड़ाके की ठंड में भी, मजबूरी है उनकी। ऐसे में मुझे प्रेरणा आई कि क्यों ना उनकी जो कठिनाई है उसमें हम थोड़े से सहायक बने, थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी आसान करें। तो इसलिए ज़िले में हमने सुदान करके एक अभियान लिया है हाथ में। सुदान मतलब एक अच्छा दान, दान तो वैसे ही अच्छा होता है लेकिन फिर भी अच्छी नीयत से किया गया दान सुदान। तो इसमें हम लोग कुछ कंबल बांट रहे हैं ऑलरेडी आपस से ही जोड़ करके, और अभी ज़िले में कुल 15,000 कंबल बांट